नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस वक्त नेपाल और भारत के रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण हैं और इसको लेकर नेपाल भारत पर किसी तरह का हमला करने से नहीं चूकता। और इसी कड़ी में एक बार फिर नेपाल ने भारत पर हमला बोला है और कोसने से नहीं चूका। जी हाँ, पूरे भारत के तटीय इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति हो गई है और इसी में नेपाल में भी बाढ़ आई हुई है। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा को भी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने भारत से जोड़ दिया है और कहा कि नेपाल में जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है वो भारत की वजह से आई है। और ये बयान नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली सरकार में गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने दिया है। तो नेपाली मीडिया की माने तो भारत ने सड़क निर्माण की वजह से पानी रोक दिया है और रास्ता नहीं मिलने के वजह से नेपाल का पानी बाहर नहीं जा रहा है और इसी वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। प्रतिनिधि सभा की लोक प्रशासन और सुशासन समिति की एक बैठक में थापा ने कहा कि भारत ने सीमा के समांतर सड़कों का निर्माण किया, इसलिए तराई क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है और अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो नेपाल पूरी तरह से डूब जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल का नेता, अधिकारी और जनता सभी पागल हो गए और भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ रोज आए दिन बोलते रहते हैं और झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जबकि अभी भी भारत ने संयम बरता हुआ है और शांति से काम कर रहा है।